नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली में हुए दंगों के दौरान जनता अपने नेताओं को फोन करती रही, इलाके में जिनको वोट किया था उनको पुकारती रही, लेकिन किसी ने न तो उनके फोन का जवाब दिया न कोई उनको अपने समर्थकों के साथ बचाने पहुंचा। उन दिनों इस जनता को अपने हाल पर छोड़ने वाले नेता अब दंगों की आंच शांत होते ही और सब कुछ बर्बाद होने के बाद उनके दर्द पर सियासी मरहम लगाने का दिखावा करने के लिए इलाकों में दौरों पर निकल पड़े। दिल्ली दंगों के कुल 10 दिनों के बाद कांग्रेस के युवराज पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी प्रभावित इलाकों में पहुंचे और दौरा किया। वैसे राहुल गांधी अब भी नहीं आते, लेकिन उनको आना पड़ा। क्यों? इसका खुलासा कांग्रेसी सांसदों के डेलीगेशन में उनके साथ मौजूद उन्हीं के सांसद के सुरेश ने किया। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि इतने दिनों बाद आपको याद कैसे आई, तो वो बोले कि दिल्ली में 50 लोगों की मौत हो गई है, हालात खराब है, लेकिन फिर भी किसी कांग्रेसी सांसद ने दिल्ली दंगों से प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं किया, जबकि बाकी मुस्लिम नेता, CPI और लेफ्ट के सांसद दौरा कर चुके हैं। इसलिए हमारे संसदीय क्षेत्रों से भी हमारे ऊपर दबाव आ रहा था, इसलिए हम दौरा करने जा रहे हैं। मतलब दौरा दबाव में किया जा रहा है, न कि मर्जी से। वैसे भी इनकी नियत जनता की सेवा होती तो ये 10 दिन पूरे होने का इंतजार नहीं करते। जनता ये बेहतर तरीके से जानती है, इसलिए जब राहुल गांधी जनता के बीच पहुंचे तो उन्हें दिल्ली की जनता के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। राहुल जब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ब्रिजपुरी इलाके में पहुंचे तो वहां उन्हें देख एक दंगा पीड़ित महिला भड़क उठी और दंगे के लिए राहुल और उनकी मम्मी सोनिया गांधी को ही जिम्मेदार ठहराने लगी। आंटी क्या हुआ? क्या हुआ? इधर ही बता दीजिए आंटी, क्या हुआ? पत्थर मार मार के हमारे घरों से घुस गए। राहुल गांधी जी को क्या बोलना चाह रही थी? यही कह रही हूँ, इसने इन्होंने आग लगवाई है। मावेटन क्या बोला था माने? क्या बोला था सोनिया गांधी ने? आर्या पार। दंगों पर राहुल को सियासत करते देख ये महिला काफी गुस्से में दिखी। इस महिला ने देश के नेताओं को भी ये संदेश दे दिया है कि हर बात पर सियासत करने वाला ट्रेंड अब पुराना हो चुका है और नेताओं को घटना के बाद राजनीति करने के बजाय घटना के दौरान मौकों पर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन जो महिला सोनिया गांधी पर यह आरोप लगा रही है, क्या वाकई उन्होंने दिल्ली की जनता को दंगों के लिए उकसाया है? तो आपको सोनिया गांधी का वो बयान भी सुनना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। जी हाँ, सोनिया गांधी का 14 दिसंबर 2019 का दिया हुआ यही वो भाषण है जिस पर ये महिला बिफरी है। वैसे राहुल का विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने दिल्ली दंगों के दौरान पीड़ित जगहों का चुनाव भी अपनी सियासत के हिसाब से ही किया। पहले तो राहुल ब्रिजपुरी के अरुण मॉडल पब्लिक स्कूल में गए। बताया जा रहा है कि ये स्कूल कांग्रेस के ही किसी नेता का है। ये स्कूल हिंसा के दौरान आगजनी का शिकार हुआ था। इसके बाद राहुल एक मस्जिद में भी गए। ये मस्जिद स्कूल के ठीक बगल में बनी हुई है। मस्जिद का नाम है फारूकिया मस्जिद। हालांकि इस दंगों में काफी मंदिरों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहुल ने अपने दौरे के दौरान किसी मंदिर को नहीं चुना, इसलिए भी लोग उनके इस दौरे को राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर राहुल से ये सवाल पूछा कि वे रतनलाल और अंकित शर्मा के घर क्यों नहीं गए, जबकि उन्हें मस्जिद जाने का वक्त मिल गया। वैसे राहुल गांधी को मुस्तफाबाद के ईदगाह पर भी जाना था, जहां दंगा पीड़ित मुसलमानों का कैंप बनाया गया है, लेकिन सुरक्षा कारणों से उनको वहां जाने से रोक दिया गया। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि राहुल गांधी का ये दौरा कोरा सियासी और दबाव में किया गया दौरा था।
क्योंकि राहुल ने अपने दौरे में जिन स्थान विशेषों को चुना वो कोई मानवीय आधार पर नहीं हो सकते। उसमें उनकी सियासत थी जिसका जवाब उन्हें जनता ने विरोध करके दे भी दिया है। तो ये थी राहुल गांधी के दिल्ली दौरे की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी ने दिल्ली का दौरा सिर्फ सियासत चमकाने के लिए किया है या वाकई में वो दिल्ली दंगों से काफ़ी पीड़ित है इसलिए वो पीड़ितों से मिलने पहुंचे? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर भी कर दें ताकि कई लोगों तक खबर पहुंचे। और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। शुक्रिया।